नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र रोतवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं फतेहपुर सिकरी, जहां परदेश मूवी की शूटिंग हुई थी। तो अभी हम गांव से थोड़ा ही आगे निकले हैं, ये आप देख सकते हैं सिंगल रोड है। तो अभी चलते हैं फतेहपुर सिकरी और दिखाते हैं वहाँ का कुछ सीन। अभी हम पहुंच गए हैं भरतपुर, और भरतपुर में यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो वहाँ का मैं आपको बैक कैमरा से कुछ सीन दिखा देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ का अंदर का वीडियो नहीं बना पाऊँगा आज, क्योंकि मुझे जो है अभी फतेहपुर पहुँचना है। फतेहपुर यहाँ से करीब 15 या 20 किलोमीटर आगे है। और ये आप देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। और सामने भी लिखा हुआ है। तो अभी हम फतेहपुर पहुंच गए हैं। ये बाहर से कुछ परकोटा साइड दिख रहा है, देख लो आप। और अभी अंदर से चलते हैं। अभी हम हाईवे पे ही चल रहे हैं, तो बाहर से दिखा देते थोड़ा सीन आपको। तो भाई ये सीन है बाहर से, और अभी चलते हैं अंदर। पर अंदर दिखाते हैं आपको अंदर का सीन क्या है। चलो चलो चलो। और भाई ये है बाहर से जो गेट है, ये देख लो आप। और अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ फतेहपुर सिकरी में ये जो आप देख रहे हैं पीछे नॉन खटाई है, यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हमने भी यहाँ पे 1 किलो ली है। अभी यहाँ पे अलग अलग है, आपको दिखाई दे रही है कि जो 80 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है। इसमें एक है मैदा की और एक है सूजी से बनाई गई है, इसलिए दोनों का अलग अलग रेट है। ये आप इधर देख सकते हैं अलग अलग रेट की अलग अलग नॉन खटाई। यहाँ पर कोई 100 रुपये किलो है, कोई 200 रुपये किलो, ऐसा करके है। तो अभी हम मेन गेट के सामने पहुंच गए हैं। ये पीछे मेन गेट है, तो अभी चलते हैं और बैक कैमरा दिखाते हैं आपको मेन गेट का सीन, और उसके बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का सीन क्या है। ये है दरगाह का मेन दरवाज़ा, इसको बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। इसको बुलंद दरवाज़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही विशाल दरवाज़ा है। और अभी सीढ़ियों से चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर का सीन क्या है। भाई यहाँ पर रास्ता ऐसा ही है, गाड़ी खड़ी है, देख लो सामने से। और चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं ऊपर का क्या सीन है।
के जो हाइट है ना ऊंचाई वो हाँ। नीचे रोड से लेकर ऊपर टॉप तक 176 फीट 176 और यहाँ ऊपर लोग बैठे हुए हैं यहाँ से 134 गेट का जो आर्च है चौड़ाई वो 90 फीट इसके तीन साइड लिखा है राइटिंग अरबी कुरान। ये सैम नगल इसका ताजमहल पे दिया है ब्लैक स्टोन से। ये जगह ताजमहल से 100 साल पहले बना ताजमहल इसके बाद। गेट का सीढ़ी 52 है 52 स्टेप। अंदर से पूरा जगह खाली है पिलरों पर इसको सपोर्ट दिया है और नीचे में ब्लैक वाले डोम उस समय के साई हमाम स्नान करने का जगह। अच्छा अभी टूट चुका है ना इसको लॉक कर दिया है। अंदर इसके दरगाह है सलीम चीज रहमतुल्लाह अलैह की। आइए और यहाँ पे कुछ माला है टोपी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये मेन गेट यहाँ का माय गॉड बहुत बड़ा है। ये देखिए और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। ये फोटो वाले भाई साहब खड़े हैं पैसा खर्च कर क्या है यादगार है और यहाँ पर लिखा है जूते चप्पल स्टैंड पर उतारे हैं तो यहाँ जूते चप्पल जो खोल दिया हमने तो अभी चलते हैं अंदर। अकबर को बैठा हुआ मस्तान आ सकते। अभी हम आ गए अंदर और ये कुछ अंदर का सीन ऐसा मेरी मत कर देना हाँ। एक साइड में सीख रही है बोलो तो ये हैं भाई फारूक कुरैशी। ये यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे हमें हाँ तो बताइए फारूक जी। यहाँ पर दो जगहें देखने के लिए है फतेहपुर और सीकरी। अच्छा। एक साइड में सीकरी इसको बोलते हैं फतेहपुर हाँ। अकबर बादशाह की तीन वाइफ थी। तीन वाइफ से औलाद और संतान नहीं था। अकबर बादशाह बहुत परेशान था हयात था। अकबर बादशाह 7वीं बार वहाँ पर चक्कर आया नहीं किसी औलाद मिली न संतान मिली। अकबर बादशाह के पैरों में गिर गया। अच्छा गिर रहा रो रहा था। अकबर बादशाह के छोटे थे वाली मियाँ थे इनका नाम था वाली मियाँ जब ने आशीर्वाद दिया इनके औलाद हुआ हाँ। जी भी देख रहे हैं रोल गेट बादशाह गेट ये बादशाह गेट है। ये बुलंद दरवाजा और ये बुलंद दरवाजा है। इसकी हाइट है 174 फीट। अच्छा इसकी चौड़ाई है 90 फीट। ये सलीम चुश्ती की दरगाह है। अच्छा बादशाह की गुरुदी हाँ। और जे जुमा में जितना 5 टम का नमाज होता है। अच्छा इधर इसके अंदर। अच्छा ये बहुत बड़ा दर है ना पर बकरे ईद का अलविदा का जुमे का नमाज होता है ना पर जिसके अंदर मनी हुई सुरंग अनार गली की जो राहुल पाशीदान के लिए गया आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट से दिल्ली दिल्ली से राहुल के लिए अंदर ग्राउंड रास्ता है। इसके ऊपर आप खड़े इसके अंदर पानी भरा 40 फुट गिरा सपोर्ट बाई फ्लोरों पर खड़ा हुआ है। तो भाई यहाँ के बारे में आपको फारूक भाई ने सब कुछ बता दिया है और जो भी कुछ फिल्म में जो सीन दिखाए गए हैं और यहाँ के बारे में और भी कुछ जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। अभी ये है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा। कितनी हाइट है? 174 फुट। इसकी हाइट जो है 174 फुट है 174 और चौड़ाई है 190 है। नहीं 90 खाली खाली 90 है। अच्छा इसकी चौड़ाई जो है वो 90 है 90 फीट में होगी। 90 फीट है इसकी चौड़ाई। और ये जामा मस्जिद है। ये हम बताया था आपको फारूक भाई ने यहाँ पे 5 टाइम का जो नमाज होता है। और इधर ये सलीम चिश्ती की दरगाह। ये सलीम चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे। बादशाह की गुरु की दरगाह है। अकबर बादशाह की गुरु की दरगाह। अच्छा ये इस्लाम खान की दरगाह है। ये सलाम खान की दरगाह। ये बादशाह गेट है रोल गेट अपनी फैमिली को लेके आता है। ये बादशाह गेट है अपनी फैमिली और गेस्ट का मैं पढ़ने आता ना। अच्छा अच्छा रोल गेट। और एक बार इसके पास में चल के दिखा देते हैं यहाँ का सीन क्या है। क्या बोलते हैं इस जगह को? ये पत्थर के दरवाजे हैं पूरा वन पीस के अंदर दिया है कोई जॉइंट वगैरह नहीं है सिंगल पीस डोर। और अंदर में जो बड़ी वाली दरगाह है हाँ? वो सलीम चिश्ती साहब के पोते हैं नाती शेख अलाउद्दीन। अच्छा। और बाकी अंदर जितनी बनी हुई है सब उनके परिवार वालों की फैमिली टाउन्स। अच्छा और ये पत्थर के दरवाजे पूरे हाँ, लकड़ी नहीं बिल्कुल भी नहीं लकड़ी नहीं है पूरा एक ही पीस के अंदर बनाया गया। अच्छा अच्छा चलिए और अंदर से देखते हैं। आपकी चादर चढ़ती है ना वाइट वाली तो फूल सारे फूल तो यहीं सब ये दरगाह बनी हुई है अंदर।
तो इसमें जो अंदर जो दरगाह बनी है वो किस किस की है? अंदर में लेडीज की हैं। अच्छा, अंदर सब लेडीज की दरगाह हैं और बाहर पे इधर आओ, इधर जो दरगाह बनी है ये सब जेंट्स की है। अच्छा, बाहर जितनी भी दरगाह बनी है सब जेंट्स की हैं और अंदर वाली जो लेडीज की दरगाह हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है शिलालेख, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और तो यहाँ पे इतनी सारी एक कब्र बनी हुई हैं। ये देख लो भाई, सो अभी आप देख सकते हैं ये शेख सलीम चिश्ती दरगाह है। इस दरगाह का मूवी में सीन लिया गया है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा नीचे साइड में लगा के। तो शाहरुख भाई, इसके बारे में कुछ बताइए, दरगाह के बारे में। ये दरगाह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ख्वाजा अच्छा। गरीब नमाज के पोते हैं। हाँ। अकबर को कोई औलाद नहीं थी, अकबर यहाँ आए थे, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था महारानी जोधाबाई हिंदू वाइफ से, तभी ये सारा फतेहपुर सीकरी अकबर ने औलाद की खुशी में मनाया था। अच्छा। और ये साइड से जामा मस्जिद, ये इसके अंदर परदेश मूवी का लास्ट का सीन था, फाइट होता था। अच्छा, पूरा इसी के अंदर का था, इसके अंदर हुआ पर, हाँ, ये जामा मस्जिद पूरा। अच्छा, ये इसके अंदर का था लास्ट का सीन, ये फाइट होता था लास्ट में, जो शाहरुख खान वगैरह जो सब, शाहरुख खान इसी के अंदर फाइट होता था। अच्छा, एक बार इसके अंदर से देखते हैं। हाँ, अभी अंदर ही चलेंगे। तो अभी हम बरामदे में आ गए हैं। हाँ, ये वही जगह है, यहाँ गाना होता था, दो दिल मिलने छुपके छुपके। अच्छा, ये अंदर का तो, अच्छा ये है वो बरामदा। हाँ, पूरा इसमें होती है, यहाँ पे जो बैठ के गाते हैं वो शाहरुख खान और जो बच्चे सब बैठ के गाते हैं, फैमिली बैठती है बीच में, यहीं बैठते थे। अच्छा, तो ये देख लो भाई, ये इतना बड़ा बरामदा। और दूसरी साइड से दिखा देते हैं, ये देखिए, ये पूरा बहुत ही एक लंबा बरामदा है। यहाँ पे वो गाने की शूटिंग होती है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। हाँ, अच्छा, तो ये है बरामदा। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े खम्भ वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सभी पूरा इसमें लाल पत्थर है सब में, लाल पत्थर। अच्छा, इसमें पूरा लाल पत्थर है कि ये दरगाह बनी हुई है, ये है वाइट में, वो संगमरमर बनी हुई है। अच्छा, तो इसमें हुआ था दो दिन मिल रहे हैं चिपके चिपके। और दूसरा गाना कौन सा था? दूसरा इसके पीछे किले के अंदर होता। अच्छा, हाँ, होना था लेकिन हो गया। अच्छा, नहीं होना था, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार उसका। तो उसमें चलते हैं अभी, जूते वगैरह लेके जाएंगे ना वो। अच्छा, वहाँ से जूते पहन के आएंगे अभी। अच्छा, वो बाहर से ही निकलेंगे उसमें, तो फिर चलते हैं बाहर। तो ये क्या लिखा है भाई? यहाँ हौज बना हुआ है, यहाँ से लोग वजू करने के बाद दरगाह ज़ियारत के लिए जाते हैं और जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पूरे के लिए। अच्छा, तो भाई ये आप शाहरुख भाई बता रहे हैं, यहाँ पे ये हौज बना हुआ है, यहाँ पे आए लोग हाथ पैर मोदो के फिर उसके बाद जाते हैं मस्जिद के अंदर। अच्छा, देखो ये भाई हाथ धो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, चारों साइड आपने जालियाँ देखा, 56 डिज़ाइन का जाली है। अच्छा, हर एक जाली का डिज़ाइन अलग अलग है, इसी का सेम नकल दिया है ताजमहल पर। ये जालियाँ हैं, हर एक जाली का डिज़ाइन अलग अलग। अच्छा, 56 डिज़ाइन का जाली है, 56 सबका अलग अलग डिज़ाइन दिया है काम पूरा में चारों तरफ, और इसी का सैम नकल दिया है ताजमहल पर। अच्छा, इसी का काम है पूरा सैम कॉपी। तो ये देख लो भाई, चारों तरफ से जाली दिखा देते हैं हम आपको इसका, ये हैं चारों तरफ से जालियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं। किसका टाइम? लेडीज़ की नहीं आता, छोटा गेट। अच्छा, यहाँ से लेडीज आती थी जी, महारानी जोधाबाई की नहीं है, स्पेशल गेट बनाया अलग से ही महारानी जोधाबाई के लिए, क्योंकि वो राजपूत थी, उसको सर झुकाने की आदत नहीं थी। अच्छा, अकबर का ये कहना था मेरे गुरु जी की दरगाह पर आए तो यहाँ सर झुका कर आए अदब के दायरे में, तो उसके लिए छोटा गेट बनवाया। अच्छा, छोटा गेट है तो ऑटोमेटिक सर नीचे झुक जाएगा, इसलिए अकबर ने छोटा गेट बनाया। क्या बात है, तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शाहरुख भाई? ये सब राइटिंग अरबी कुरान लिखा हुआ है, कुरान शरीफ की आयत है। अच्छा, चारों साइड में, चारों साइड में ये कौन सी उर्दू में लिखा हुआ है? कुरान की आयत है, कुरान शरीफ, कुरान शरीफ की आयत है ये। वैसे उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा, उर्दू अलग होता है, ये अलग भाषा है। और यहाँ पे ये जो शाहरुख भाई, ये जो डोरा बांध रखे लोगों ने, यहाँ लोग मनोकामना के लिए धागे वगैरह बांधते हैं। अच्छा, दरगाह की जाली है। हाँ,
यहाँ लोग मनोकामना करते हैं भाग्यवान। अच्छा, यहाँ से मन्नत मुरादें पूरी होती हैं लोगों की। अच्छा, मन्नत मांगते हैं हमें धागा बांध के। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ परियार बाहर से, और यहाँ धागे बांध जाते हैं, जो भी उनकी मुरादें इच्छा यहाँ से पूरी होती हैं आज भी। अच्छा, चले आगे चलते हैं। और हम लोग दरगाह के अंदर खड़े हुए हैं। अच्छा। अंदर में दरगाह है हजरत शेख सलीम, जिस तरह वो गेट है पीछे आप देख रहे हैं, जो पीछे गेट है। यहाँ लोग जा रहे हैं, ये बैठे हैं, यहाँ से लोग सभी लोग सड़क कर जाते हैं। नंगे सर अलाउड नहीं है दरगाह पर। या तो सर के ऊपर रुमाल बांधना जरूरी होता है, या फिर कोई टोपी हो, या फिर अभी हमने देखी ये प्लास्टिक वाली ये जो कैप है ये मिल गई है, ये यहीं मिलती है, यहीं मिल जाती हैं, तो ये लगा के अंदर जाना अलग होता है। ये पूरा पीछे का अंदर का लोकेशन है दरगाह का, ये हमने आपको पहले दिखाई दिया पूरा लोकेशन। तो अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर का सीन क्या है। हाँ, तो अभी हम कहाँ हैं? अभी आप लोग फतेहपुर सीकरी मेन गेट बुलंद दरवाजे पे हैं, इसके पीछे किला घूमने के लिए जाएंगे अभी आप। तो अभी तक हमने जो वीडियो में देखा वो था फतेहपुर का सीन, अभी हम जाएंगे सीकरी। इसके जस्ट बगल में ही सीकरी है, इसके पीछे ही सीकरी है, तो दोनों को मिला कर इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर है, वो कमाई कमेंट दोनों सीकरी पीछे है, ये फतेहपुर है, यहाँ पड़ेगा। अच्छा, अभी हम फतेहपुर घूम लिया, अभी हम जा रहे हैं सीकरी। तो फतेहपुर में तो फिल्म का लास्ट का सीन हुआ था फाइट वाला, और दो दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके, वो गाना इसी के अंदर का था लास्ट, और नहीं होना था वो गाना करके है। पीछे किले का है, जोधा भाई पहले ही चार चमन वगैरह बना हुआ है। अच्छा, तो फिर अब वहाँ जाएंगे हम, जहाँ पे वो दूसरा गाना शूट हुआ था, तो चलते हैं अभी वहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं सीकरी पैलेस, वहाँ पे किला बना है, सीढ़ियाँ बहुत ऊँची भाई। यहाँ का बाहर का सीन देख लो थोड़ा सा, सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, नीचे उतरते हैं एक बार। अच्छा, अभी हम नीचे जा रहे हैं, दोबारा जाएंगे दूसरे किले में उधर से। चलिए नीचे चलते हैं, उसके बाद जाते हैं किले में। तो भाई आज हमारे साथ हैं शाहरुख भाई, ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं। तो आज बहुत ही ये दिलचस्प बात है कि आज हम जिस लोकेशन पर आए हैं वो शाहरुख खान की मूवी है, और उसमें हीरो भी शाहरुख खान थे, और आज हमारे साथ भी शाहरुख भाई हैं। तो शाहरुख भाई ने हमें अंदर का पूरा सीन दिखा दिया है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं ये पीछे आप देख सकते हैं दरवाज़ा है, दरवाजे के जस्ट बाहर खड़ा हूँ मैं। तो अंदर का मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया है, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।